डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, तमिलनाडु से नवपाषाण युग की नई खोज। हाल ही में पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्विक खुदाई के दौरान तमिलनाडु से नवपाषाण युग की एक महत्वपूर्ण खोज की गई है। यह खोज एक सेल्ट की है, जो कि एक प्रकार की कुल्हाड़ी की तरह कहा जा सकता है। यह खोज राज्य के धर्मपुरई जिले के पुथी नाथम गाँव में की गई है। यह सेल्ट डोलोराइट पत्थर से बना था, जिसका इस्तेमाल या तो हल या कुल्हाड़ी के रूप में किया जाता था। इस सेल्ट की खोज सतह से 36 सेंटीमीटर की गहराई पर की गई है। यह 22 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर जबकि न्यूनतम चौड़ाई 3.2 सेंटीमीटर है। नवपाषाण युग उस दौर को संदर्भित करता है जब मनुष्य को धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों एवं हथियारों का प्रयोग करते थे। इस दौर में विशेष रूप से पत्थर की बनी कुल्हाड़ियां प्रयोग की जाती थी और ऐसी कुल्हाड़ियां देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग की शुरुआत वर्ष 1961 में प्रदेश में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के उद्देश्य से ऐतिहासिक स्थलों पर खुदाई करने के लिए की गई थी। विभाग के 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 14 साइट संग्रहालय भी हैं। विभाग का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध विरासत व गौरवशाली परंपराओं को शास्त्रीय तमिल भाषा, उत्कृष्ट स्मारकों, मंदिरों, कला और मूर्ति कला व विविध परंपराओं के साथ प्रदर्शित करना है।